केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को तमाम सौगातें दी और कहा जल्दी सड़क मार्ग से दिल्ली से देहरादून तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हुआ करेगा। उत्तराखंड दौरे के दौरान टनकपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधी मैदान में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट एवं अजय टमटा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने डिजिटल माध्यम से कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवभूमि उत्तराखंड में के मार्गों के विकास हेतु निकट भविष्य में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा उत्तराखंड वासी जल्दी ही 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफर पूरा कर सकेंगे। किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही है, चाहे वो चार धाम ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोड हो या हमारे रोप वे की परियोजनाएं हो, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के सबके आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा पर 90% काम पूरे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है, इस बात पर मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। आने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी, कैसी धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा, यही इसके पीछे हमारा भाव है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।